हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और नवरात्रि भी हो गई, दशहरा भी हो गया। आई होप आप लोगों के सबके नवरात्रि और दशहरा अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और अब तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। अब आने वाला है करवा चौथ, तो उसके बाद आने वाली है दिवाली, तो सबकी खूब धूमधाम से चल रही होगी तैयारी। बट हमारी अभी कोई नहीं चल रही है। हम सफाई वगैरह कुछ दिनों के बाद करेंगे। आज का टास्क कुछ और सोचा है हमने। आज का टास्क क्या है वो आप मेरी वीडियो में बने रहना, मैं आपको फिर बताती हूँ आज का टास्क क्या है। अब डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे दिवाली तक। तो सफाई वगैरह तो अभी नहीं, सफाई वगैरह हम करेंगे 2-3 दिन के बाद। आप लोगों की स्टार्ट हो गई, बताना किस किस को सफाई करना अच्छा लगता है। वैसे तो किसी को भी नहीं लगता होगा, लेकिन सबकी मजबूरी होगी यार सफाई करना, घर साफ करना। मैं भी सोच रही हूँ कैसे करूँ। हस्बैंड घर आते तो हस्बैंड से करवाती, बट हस्बैंड को तो छुट्टी ही नहीं मिल रही है। वो तो आने वाले हैं, नहीं खुद ही करने। ये देखो मेरा फैन कितना गंदा हो रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर पूरी ऐसे 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 पूरी डस्ट हो रही है। और बाकी क्या करना है, बाकी वही क्या होता है दिवाली में, रूमों की सफाई, कर्टेन वगैरह, ये सारे कर्टेन वगैरह निकालने हैं, धुलने हैं। बट ये अभी नहीं, हम एक वीक के बाद स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, आप लोगों ने स्टार्ट कर ली होगी शायद। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी 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 कर लेते हैं। और वैसे भी हमारा तो कितना भी सफाई करो, कुछ भी करो, हमारे बच्चों ने करने रूम की हालत अपनी जैसी ही है। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो में बने रहना, आगे मिलते हैं और आपको पता चलेगा आज का टास्क क्या है मेरा। और आज के टास्क के लिए रेडी हो गई हूँ मैं, क्योंकि बाकी थोड़ा बहुत काम कर लिया है। मम्मी बोली है अब करो आज का टास्क कंप्लीट, तो वेट मैं लेके आती हूँ आज का टास्क और दिखाती हूँ आपको। ऐसा ही होता है हम लोगों का टास्क। तो आज मैं बना रही हूँ, ये है मेरे हाथ में पहाड़ी ककड़, कहते हैं इसको पहाड़ी ककड़ी। और ये आई है बगल में, दी है ये चाची ने। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बढ़िया। और इसमें अभी देखना क्या मिक्स करते हैं, इसको मैं पहले कोर के रखूंगी, उसके बाद हम निकालेंगे इसका सारा पानी और फिर इसमें मिक्स करेंगे हम उड़द की दाल। उत्तराखंड वालों को तो सबको पता है कि हम लोग ऐसे बड़ी बनाते हैं, बट मेरे जो अदर स्टेट के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज बताना, वो लोग उनके वहां भी बनाई जाती है ये वाली बड़ी या नहीं। बस इसमें मांस डालते हैं ना मम्मी, मांस। उड़द उड़द, हाँ समझ गए लोग, मांस उड़द। समझदार है यहाँ की ऑडियंस, वीना संजय वल्दिया ब्लॉग वाली ऑडियंस। क्यों ऑडियंस? और ये है इतने मास जो जो हमने थोड़ी सी कल डाली थी कल, लेकिन कल मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। और बाकी मास ये है और एक ये बड़ी वाली ककड़ी अभी मैं कोर रही हूँ और फिर देखना आप मैं इसको कैसे फेंटती हूँ इसका सारा पानी निकाल के। और क्या बातें करूं फिर मैं तुमसे, इसमें तो मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो आप लोग बोर हो जाओगे। ये देखिए ककड़ी से जितना पानी निकला था मैं उसको कपड़े में छान के ला गई हूँ। अब हम इसको कर देते हैं खाली, वो हो रहा था इतना सारा, अब इतना सा हो गया, इतना सा। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी पिसे हुए उड़द, उड़द की दाल। हाँ जी, हाँ मैं चला। दोनों की क्वांटिटी इक्वल इक्वल होनी चाहिए ना मम्मी, बराबर बराबर इतना बनाऊंगी फिर। ये देखो इसकी हरकतें, कैसे जंप किया इसने। और अब इसको इतना फेंटना होता है, इतना फेंटना होता है कि जब तक कि हमारे हाथ ना थक जाए और ये पूरा फूल ना जाए। अभी देखना आप, ये ऐसा है और मैं इसको कब तक फेंटूंगी। अब इतने सीसी क्या बनाएंगे, डालो, ये तो बहुत कम है। मम्मी बोल रही है थोड़ा सा बचा देते हैं, दिन में नाश्ता बनाएंगे, लेकिन हमने रख दिया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कम अभी हो गया है, था। रखा है अभी। अच्छा रखा है, अभी इमरती बनूंगी रखा है। ये देखो अभी मम्मी ने इमरती का भी इंतजाम कराया, मतलब दिन में आज नाश्ते में बनने वाली है इमरती। चलिए फिर मैं इसको फेंट लेती हूँ, आप लोग हो जाओगे बोर जब ये पूरा मैं
फेट लूंगी उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने पूरा कर दिया है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए एकदम से। तो ये मैंने लगभग 15-20 मिनट इसको फेटा है, तो अब ये हो चुका है एकदम सॉफ्ट, तो मतलब कि रेडी हो चुका है बढ़िया बनाने के लिए। तो अब मैं बनाती हूँ मेरी बढ़िया। बात मत करो, कहना नहीं मानते हो। और मेरा लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम, तो इसलिए सास और बहू दोनों मिलके बना रही हैं बढ़िया, है ना दक्षु? और दक्षु कर रहा है हमें परेशान सुबह सुबह, है ना बच्चा? देखो सासू माँ का हाथ कितना तेज चल रहा है और मेरा। दक्षु मैं पिट्टी करूंगी आप, और ये शैतान बच्चा सोच रहा है मैं वीडियो बंद कर दूं। बहुत पिटाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा वाली। नहीं कह रही हूं, नो 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 नो। और बढ़िया हम लोगों ने डाल दिया, और अब हमारा है इमरती बनाने का प्रयास। देखती हूँ बनती है तो आपको दिखाती हूँ। फुस्सा फुस्सा हो गया हमारी इमरती का। करना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया है, क्या करें भैया। और ये बन के रेडी हो चुकी है हमारी इमरती, लेकिन मार्केट जैसी नहीं हुई, बट घर की है फ्रेश एकदम। और ये जो बन नहीं पाई, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये वो है। आ जाओ जिसको खानी है। तो फ्रेंड्स देखा, आज दिन भर का हमारा जो शेड्यूल था, मम्मी और मेरा बिजी थे, और सबसे ज़्यादा परेशान करा दक्षित वल्दिया ने, बहुत ज़्यादा परेशान किया। गवी तो गया था स्कूल, और बढ़िया जो है हमारी बिल्कुल नहीं सूखी, क्योंकि थे बादल, सूखी नहीं पाई। अब पता नहीं कल परसों भी दो दिन लगातार बताई है बारिश, पता नहीं सूख पाती है नहीं सूख पाती। और इमरती मैंने तब तो नहीं खाई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, मचा हो जाता है मचा। तो अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ, मेरी बनाई वाली है ऐसी आड़ी तिरछी वाले। मम्मी तो अच्छा शेप दे देते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए। ये जो ऐसी वाली हो रही है ना, ये कुरकुरी से ये वाली ज़्यादा टेस्टी हो रही है, वो वाली पता नहीं कैसे हो गए। तो बताना आप लोग किस किस का टास्क पूरा हो चुका है बड़ी बनाने वाला, जो लोग बनाते हैं। अभी उन्हें नहीं बनाते तो वो तो क्या टास्क पूरा करेंगे। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद हो जाएगी दिवाली की स्टार्टिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं बाकी का सूट नहीं कर पाई क्योंकि पहले हमें बढ़िया बनाई, फिर थोड़ा काम किया, फिर उसके बाद मम्मी और मैंने मिलके बनाई इमरती, तो फिर हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर हमने किया रेस्ट, और उसके बाद का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ शूट। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनका चैनल मोनेटाइज होगा आप लोग सोच सकते हो कि दिमाग कुछ ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारे जो YTU स्टूडियो में है उसमें आप लोग को पता है कि डॉलर का निशान जो है साइन हट चुका है, और काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स, काफ़ी लोगों ने नहीं तो टेक चैम्पियन सपोर्ट, चुन्नू की एक है वो चुन्नू की टेक कुछ ऐसा नाम है, मैं अभी भूल गई हूँ, उन्होंने और एक्टिव राहुल, काफ़ी लोगों ने, और रक्षा की रसोई मैम ने, काफ़ी लोगों ने हमारे लिए वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के वीडियो देख के आगे बढ़ते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि चलो ये यूट्यूब में एक बग आया है, एरर आई है, तो थोड़ा हम लोग क्या होते हैं शांति हो जाते हैं। सुबह तक मुझे भी टेंशन हो रहा था, क्योंकि जब मैंने, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है जो भी यूट्यूब वाले हैं वो YTU स्टूडियो को कितनी बार चेक करते हैं कि क्या हलचल हो रही है, क्यों हो रही है, तो वो सब हो रहा है, यूट्यूब से ही एरर आ रही है। क्योंकि मैंने नोटिस करा कल से, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स डाल रही थी, मेरा कोई ना कोई शॉर्ट्स जरूर वायरल हो जाता था, बट दो दिन से मेरे शॉर्ट्स भी वायरल नहीं हो रहे, और मेरे उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। और ये वाला जो वीडियो मैंने अपलोड करा है, इसमें भी मोनेटाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं था, इस वीडियो से भी मैं कोई एक पैसा भी नहीं कमाऊंगी,
और अगर आता भी है तो वो पैसा यूट्यूब को जाएगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं कहाँ से डालती। जो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स हैं, तो उन लोगों से कहना चाहती हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में ऐसी एरर बग आते रहते हैं, तो शायद एक दो दिन में ये एरर हट जाएगी। हटनी तो चाहिए, वरना एक दो दिन में नहीं हटी तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पैसा अर्न नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं इन दो तीन, जब तक ये एरर रहती है, कितने लोग वीडियो अपलोड करते हैं, कितने लोग अपनी ऑडियंस के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, और कितने लोग के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, इससे ये पता चल जाएगा। इनका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से वीडियो अपलोड करिए और अपना वॉच टाइम बढ़ाइए। बट जिनका चैनल मोनेटाइज है, तो उनके लिए ये थोड़ा टेंशन की बात हो सकती है। जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, बट आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं 1 साल से लगातार कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ, तो होता है, हर किसी को हर चीज से आस होती है, तो ऐसे ही मुझे भी थोड़ी बहुत आस है यूट्यूब से। अब देखते हैं ये बग है क्या नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय, मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग के साथ।